Hello friends, welcome to my YouTube channel Online Study for Computer Science. So MongoDB सीखने की इस सीरीज की ये 10th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्शंस के बारे में कि MongoDB में प्रोजेक्शंस क्या होते हैं. इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम एक डॉक्यूमेंट पे क्वेरी कैसे कर सकते हैं. हमने वहाँ पे देखा था कि हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो हमारे पास यहाँ पर एक डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शन है. तो ठीक है, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट की करवाया हुआ है फाइंड कमांड के द्वारा, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं. ठीक है, db.students.find. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एक कलेक्शंस में. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं एक कलेक्शंस में. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शंस के बारे में. बेसिकली प्रोजेक्शंस होता क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट है. ठीक है, जैसे एक डॉक्यूमेंट है तो इसमें हमारे पास चार फील्ड हैं अभी, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज. ठीक है, सो हम चाहते हैं कि हम सारे फील्ड्स को एक साथ एक्सेस ना करके हम रिक्वायर्ड फील्ड को, जो नेसेसरी डेटा है उसको एक्सेस करना चाहें. जैसे लेट से कि हम आईडी और फर्स्ट नेम को ही एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसको हम प्रोजेक्शंस की सहायता से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कमांड होती है, इसी को हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं. ठीक है, जो रिक्वायर्ड डेटा है एक डॉक्यूमेंट का, रिक्वायर्ड डेटा है उसको एक्सेस करना ही प्रोजेक्शंस कहलाता है. ठीक है, सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, db.collection name, मतलब कि जो कि स्टूडेंट है हमारे केस में, स्टूडेंट्स है, db.students.find. ठीक है, ये कमांड तो आपको लिखनी है डॉट फाइंड. इसमें अब आपको क्या करना है, दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं. ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके. ठीक है, तो पहला जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये एम्प्टी रहेगा. ठीक है, और सेकंड में आपको वो फील्ड यहाँ पर डिफाइन करना है जो कि आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ पर डिफाइन करना है जो एक्सेस करना चाहते हैं. लेट से मैं फर्स्ट नेम को ही एक्सेस करना चाहता हूँ ओनली. ठीक है, लास्ट नेम एज को मैं एक्सेस नहीं करना चाहता हूँ. तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फर्स्ट नेम यहाँ पर, फर्स्ट नेम डबल कोट्स में आएगा और कॉलन करके यहाँ पर मैं 1 पास करूँगा. ठीक है, 1 का मतलब कि ये ट्रू है, इसको हमें शो करवाना है. ठीक है, 1 और 0 दो पैरामीटर्स लेता है. 1 का मतलब कि ये ट्रू है, इसको हमें शो करवाना है और 0 का मतलब हाइड करवाना है. ठीक है, सो हम 1 प्रिंट करेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे, पास करेंगे. और अब मैं इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, ये कंप्लीट क्वेरी क्या है एक बार आपको मैं जूम करके बता देता हूँ. db.students.find, यहाँ पर दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कॉमा से सेपरेट करके पहला एम्प्टी रहेगा और दूसरे में हमने जो फील्ड हमें एक्सेस करना है, जो रिक्वायर्ड फील्ड है, वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जैसे फर्स्ट नेम डबल कोट्स में और कॉलन के साथ 1. ठीक है, 1 का मतलब कि हमें इसको प्रिंट करवाना है. ठीक है, सो अब अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम यहाँ पर प्रिंट करवाया है. जो आईडी है ये तो डिफॉल्ट है, जो मोंगो डीबी बाय डिफॉल्ट है, जो डेटाबेस है बाय डिफॉल्ट अपनी साइड से एक आईडी क्रिएट करता है, जनरेट करता है, उसको यहाँ पर ये प्रिंट करवाता है. ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट नेम इसने प्रिंट किया है. अब अगर हम मोर देन 1 फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने को जो आपने सेकेंड कर्ले ब्रैकेट्स में जो यहाँ पर फील्ड डिफाइन किया है फर्स्ट नेम कॉलन 1, इसके साथ में ही अगर आप मोर देन 1 फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो कॉमा करके यहाँ पर और मोर देन 1 फील्ड्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैं फर्स्ट नेम के साथ लेट से लास्ट नेम भी एक्सेस करना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं कॉमा करके लास्ट नेम और कॉलन इसी तरीके से यहाँ पर 1 पास करूँगा. ठीक है, सो अब ये कमांड क्या करेगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पर एक्सेस करेगी. ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इसने यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है. ठीक है, सो इस तरीके से हम जो सेकंड कर्ली ब्रैकेट है इसमें हम कॉमा से सेपरेट करके मोर देन 1 फील्ड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो आईडी, जो ये बाय डिफॉल्ट MongoDB है जो जनरेट करता है, उसको यहाँ पर ये यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है, शो करवा रहा है, जबकि हमें आईडी को एक्सेस नहीं करने, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर हम इस आईडी वाले फील्ड को नहीं चाहते हैं तो हम इसको हम हाइड भी कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, कॉमा करके यहाँ पर हम आईडी, ठीक है, आईडी अंडरस्कोर आईडी जो कि फील्ड है, और कॉलन करके हम इसको 0 सेट कर देंगे. ठीक है, 0 का मतलब हाइड, तो ये अब की बार आईडी को यहाँ पर हाइड कर देगा और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ही यहाँ पर एक्सेस करेगा. तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ओनली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ही यहाँ पर एक्सेस करता है. ठीक है, सो बस प्रोजेक्शंस, यही प्रोजेक्शंस होता है. इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और वीडियोज आपके लिए लेके आता हूँ। मैं यहाँ पर एक वीक में 8 to 10 वीडियोज आपके लिए लेके आता हूँ, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।